नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग आज बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अपने चैनल पर और भी दूसरे वीडियोस डाल रही हूँ, वो भी आप लोग देखिए। बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे ये शिकायत है, तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनको एक बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जिन लोगों ने नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लोग शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें। और जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ उनका वो आनंद ले सकें। तो मैं रामचरितमानस का पाठ पढ़ रही हूँ। बालकांड पाठ ख़त्म हो चुका है और अभी अयोध्या कांड पाठ शुरू हो गया है। तो आप लोग बालकांड पाठ को देखने के लिए पीछे के वीडियोस देख सकते हैं और वो आपको बहुत आनंद देंगे। और अभी अयोध्या कांड पाठ शुरू हो चुका है, तो अयोध्या कांड पाठ का आनंद लीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मैं एक मंदिर बनवाने के लिए पाठ कर रही हूँ, बहुत ही शिद्दत के साथ कर रही हूँ। आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग और सब्सक्राइब कर सकें और मेरा ये जो मोटिव है एक्चुअली पूरा हो सके। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा उसको ना बनवा सकूँ, बहुत बड़ा ना बनवा सकूँ, पर कुछ तो मैं कर सकूँ उसमें, तो यही मेरी उम्मीदें हैं। बाकी कल तक आपने पाठ में सुना था कि तो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो कल तक आपने सुना है कि रानी केकई ने अपने दोनों वरदान मांग लिए हैं राजा से, और राजा दूसरे वरदान को, पहले वरदान पर तो राजी हैं कि भरत को राजतिलक दे देते हैं, वो तो कहते हैं कि कल मैं राजतिलक करवा दूंगा, बाकी दूसरे के लिए कहते हैं कि, लोग तो कहते हैं कि बहुत साधु हैं श्री रामचंद्र जी, और तुम उनको वनवास भेजने के लिए कह रही हो तो आप बहुत पछताओगी, इसी तरीके से बोल रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ तुलसीदास जी के शब्दों में। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकई से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो सके वह यत्न किया जाए। कैकई ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझसे दो वरदान मांगने को कहा था, मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि यह तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। आगे चलते हैं, अभी आज के विषय पर आते हैं, आज का विषय और आज के पाठ पर आते हैं। सुत स्नेहु इत वचनु उत संकट परेहु नरेशु सकहु आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन, राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कई कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वरच सर नाना मनहु महीब मृदु लच्छ समाना। हृदय के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी बोल रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा
मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे सरेरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु, सबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे सात समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मनु मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाघ विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निष्ठान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले मानो वाणी के ही भूषण थे। मैं आप सब लोगों के अपने व्यूअर्स की, क्योंकि उनको परेशानी ना हो इसलिए मैं हिंदी रूपांतरण कर रही हूँ। दोहे में बहुत जल्दी हो जाता है रामचरितमानस का पाठ, पर वो आसान होता मेरे लिए, पर मैं उसका हिंदी रूपांतरण कर रही हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। कई लोगों को समझ में आ जाता होगा जो भाषा उनकी अवधि होगी, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो उनके लिए ही है कि और आप लोग अच्छे से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए लोगों को, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, तो और सब्सक्राइब करेंगे वो लोग, उनको बोलिए भी कि सब्सक्राइब करें वो लोग, तो अच्छा रहेगा। मेरा मंदिर बनाने का जो मोटिव है वो एक्चुअली पूरा हो जाएगा। मुझे वही चिंता है कि मैंने सोच तो लिया पर क्या पता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैं वही सोच रही हूँ। और भी मैं वीडियोस डालती हूँ तो आप लोग देखिए। सुनु जननी सोई सुतु बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मात पिता तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। अनुरागी का मतलब है कि पालन करने वाला है, आज्ञा पालन करने वाला है, जो और जो माता पिता को संतुष्ट कर ले वही, वैसे बच्चे मिलते नहीं हैं, ऐसे पुत्र संसार में दुर्लभ होते हैं। मुनिगण मिलनु विशेषी, वन सब ही भांति हित मोर, तेही मैं पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोही सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनिया मोही मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे, इन सब बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मतलब मेरे अनुकूल है, मेरे पक्ष में है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवही अरंग कल्प तरु त्यागी, परिहरी अमृत लेही विपु मागी, तेउ न पाई असमऊ चुकाही, देखो बिचारी मात मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग कर लेते हैं, हे माता तुम तो मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चुकेंगे। अम्ब एक दुखू
मोहि विशेषी निपट विकल नर नायक देखी थो रही बात पितही दुख भारी होत प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदती अगादु भाम मोही ते कछु बड़ अपराधु जाते मोही न कहत कछु राहु मोरी सबत तो ही कही सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। तो मैं जिस मंदिर का आपसे बखान कर रही थी, वो मंदिर गांव का मंदिर है और वो बहुत साल पुराना है, मतलब 60-70 साल पुराना है और कुल देवी का मंदिर है। तो मैं उसी के लिए चाहती हूँ कि वहाँ पर एक पंडित जी बैठ जाए या अच्छे से उसकी देख रेख होने लग जाए। तो वही चीज़ है, बस इतना ही मैं चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसीलिए मैं ये रामचरितमानस का पाठ ही मैंने शुरू किया है। और क्योंकि सिर्फ रामचरितमानस का पाठ पढ़ने से लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए उसमें दूसरे भी वीडियोस में डाल रही हूँ। तो इसलिए यही मेरा है कि मतलब मुझे लोगों को अच्छा लगे और वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं उसका वीडियो मंदिर का वीडियो में डाल देती हूँ। और ये मेरे सारे वीडियोस रॉ ही होते हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ एज इट इज़ वैसे ही डाल देती हूँ। इसमें कोई कटिंग, कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो वैसे ही डाल रही हूँ मैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मैं भी डालती हूँ वीडियो, आप लोग देखिए। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं, और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और लाइक करें उसको, ताकि मुझे पता लग सके कि हाँ आप लोगों को अच्छी लग रही है। तो चलते हैं आगे। सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करिजान चलें जोंक जल वक्र गति यद्यपि सलीलु समान। रघुवर में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुक पाई बोली कपट स्नेहु जनाई सबत तुम्हार भरत कह आना हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कह कही रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली तुम्हारी शब्द और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोगु नहीं ताता जननी जनक बंधु सुख दाता राम सत्य सबु जो कछु कहू तुम्हें पिता मात वचन रत अहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम माता पिता के वचनों का पालन करने में तत्पर हो। तो आज मैं आज कुछ अच्छे तरीके से पढ़ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे सबसे ज़्यादा। जितने लाइक्स होंगे फिर मैं उसी को समझूंगी कि भाई हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। पितही बुझाई कहूँ बलि सोई चौथे बन जेहू अजसु ना होई तुम्हें सम सुआन सुकृत जेही दीना उचित न तासु निरादरु कीना।
मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे वन में इनका अभ्यस ना हो। चौथे वन से मतलब है कि बुढ़ापे में। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उनका निरादर करना उचित नहीं है। लागई कुमुक वचन सुख कैसे, मगे गयदिक तीर्थ जैसे, रामई मात वचन सब भाए, जिमी सुरस रिगत सलील सुहाए। कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी की माता कैकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सब प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। गई मुरुचा राम ही सुमीरु नृप फिरी करवट लीन, सचिव राम आगमन कही विनय समय सब कीन। इतने में राम राजा की मूर्छा दूर हुई, उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कह के फिर से करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब निप अकनी राम पगु धारे, धरी धीरजु तब नयन उघारे, सचिव संभारु राव बैठारे, चरण परत निप राम निहारे। जब राजा ने पूछा कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री जी ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में बढ़ते देखा, मतलब प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गै मनि मनहु भनिक धिरी पाई, राम ही चितई रहेऊ नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रभाव। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारह, विदही मनाव राव मन माही, जेही रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाए। सुमरी महेश ही कहे ही निहोरी, बिनती सुनहु सदाशिव मोरी, आंसू तोत तुम्हें अवठर दानी, आरती हरहु दीन जनु जाने। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवठर वाणी मुँह मांगा दे देने वाले हैं। आप मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम्हें प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देहु, बचनु मूर तजी रही, घर परिहरी सील सनेहु। आप प्रेरक रूप भी सबके हृदय में हैं, आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। तो आज का पाठ मैं यहीं पे पूर्ण करती हूँ और फिर कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद नई उमंग के साथ में। तब तक के लिए राम राम। और आप मेरा उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर अवश्य करेंगे।